हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों ने मुझसे बहुत बार कहा है मेरे ऑयलिंग वाले वीडियोस पे कि आप एक ऐसा ऑयलिंग वाला वीडियो लेके आएँ जिसमें कोई और आपके वाले पे चंबी कर रहा है और कोई आपके वाले पे कोई कॉम कर रहा है। तो ऑयलिंग के बाद कॉम्बिंग प्लस मसाजिंग प्लस ऑयलिंग, तो देखिए आप लोगों की रिक्वेस्ट मैंने पूरी कर दी है। अब आप लोग करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल है उसे फटाफट से प्रेस कर दो गाइस, ताकि आपको मेरे ऐसे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मैं बनाती हूँ ऑयलिंग वीडियोज़, रिव्यूज़ और ऐसे कुछ अच्छे अच्छे वीडियो। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रोसेस को। और जो क्लिप मैंने शूट करी थी अपने बालों पे, जो मैंने शूट करवाई थी क्लिप, वो क्या हुआ ना कि वो मुझे डिलीट हो गया एक्चुअल में एडिटिंग के टाइम पे। और जब मैंने एडिटिंग करना स्टार्ट किया तो आई रियलाइज कि मेरी वो क्लिप है ही नहीं मेरे पास। तो दैट्स वाई मैंने ये इस्तेमाल करी है, इस क्लिप को रिप्लेस करा है मैंने इस क्लिप को। एंड आई नो ये वीडियो लेट आया है, लेकिन गाइस कोई बात नहीं, आई एम सो सॉरी, वो काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता अगर मैं अपने क्लिप को शूट करवाती, बिकॉज मैंने हेयर वॉश आज तुरंत ही जस्ट किया है और मैं इस वीडियो को एडिट आज ही कर रही हूँ। एंड दैट्स वाई जैसे मैं सोचा कि कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को सॉरी बोल दूँगी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, आगे क्लिप सारी मेरी है, बस ये वाली क्लिप मुझसे गलती से डिलीट हो गई थी। और यहाँ पे मैं अपने वाले पे जो मैंने इस्तेमाल करा है, वो मैंने इस्तेमाल करा है मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। उसमें होते कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बालों के लिए कितने अच्छे होते हैं। एंड यू गाइस नो ऑब्वियसली, उस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बिकॉज मैंने इस वीडियो के एंड में हेयर स्टाइल बताई है और एक तरीका बताया है, एक ऐसा मेथड बताया है कि जिसकी वजह से जब आप ऑयलिंग के बाद जब आप कॉम करते हो ना, तो आपके बाल झड़ते क्यों हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा इस पूरे वीडियो के एंड में। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब तो करके जाना ही, साथ साथ मेरी ऑयलिंग वाली प्लेलिस्ट भी चेक करके जाना, बिकॉज मैंने ऑयलिंग के बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं जिसमें मैंने कवर किया हुआ है कि आपको कौन सा ऑयल लगाना चाहिए अपने हेयर टाइप के अकॉर्डिंग, कौन सा ऑयल अच्छा होता है। हैवी ऑयलिंग बनाई है तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। और मेरे ऑयलिंग वाले वीडियोज़ को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत 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 दिल से थैंक यू। एंड आई विश कि ये वीडियो भी मेरा काफ़ी हद तक हिट वीडियो जाए। सो या गाइस, ठीक है, और ये बात इस क्लिप की, तो अगली बार से कोई भी गलती नहीं होगी, मैं हर दिन नया वीडियो अपलोड करूँगी एंड आई प्रॉमिस डैट। चलिए अब मूव ऑन करते हैं हमारे आगे की प्रोसेस की, जो है हमारा कॉम्बिंग एंड उसके बाद है हेयर स्टाइल। तो मज़ा आ रहा है ना वीडियो में। तो अब हम बात करते हैं हमारे मेन प्रॉब्लम के बारे में कि भाई जब हम ऑयल लगाते हैं तो इतना ज़्यादा हेयर फॉल क्यों होता है। वो इसलिए होता है, और वो होगा क्योंकि हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हो रहे होते हैं वो उस टाइम बहुत ज़्यादा वीक हो रहे होते हैं, इसलिए हमें हेयर फॉल होता है। ठीक है, अब इसके लिए ये मेथड है कि आप ऑयलिंग भले खुद से लगाओ, कोई भी ऑयल लगाओ, लेकिन जब आप खुद कॉम करोगे ना तो आप देखोगे आपके बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाल टूट रहे हैं, कंघे हैं, बहुत ज़्यादा बाल आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब आप किसी दूसरे से कॉम करवाओगे, भले आपने ऑयलिंग खुद करी हो लेकिन कॉम में आपने किसी और से करवाई है, तो देखोगे कि डिफरेंस मतलब 50% तक का आपका हेयर फॉल रिड्यूस हो जाता है, मतलब आपके 50% तक बाल नहीं झड़ते हैं, मतलब ऑलमोस्ट उसका हाफ बाल झड़ते हैं। ठीक है, तो आप इस टेक्निक को ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि कमेंट सेक्शन में क्या रिजल्ट मिला है, बिकॉज ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि जब मेरी मम्मी कॉम करती हैं तो मुझे इतना पेन नहीं होता है, मेरे बाल इजली सुलझ जाते हैं और हेयर फॉल भी काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा होता है, पर लेकिन जब मैं खुद कॉम करती हूँ तो बहुत ज़्यादा बाल झड़ जाते हैं। तो इसलिए आप इस मैटर को ज़रूर ट्राई करना। अगर मैं बात करूँ हेयर स्टाइल की, तो मैंने यहाँ पे करी है ब्रेडिंग मैंने यहाँ पे इसलिए करी है बिकॉज वो ईजिली हो जाती है, उसमें ज़्यादा कॉम्बिंग की नीड नहीं होती है। भले ही मेरी मम्मी ने काफ़ी हद तक कॉम्बिंग सुलझा दी है मेरे बाल, लेकिन अगर आपको डर लगता है फिर भी कॉम करने में या खुद से कर रहे हो, तो ब्रेडिंग आप इतने बाल सुलझाना ताकि आपके बाल हैं वो उनकी ब्रेड्स बन सकें, बिकॉज ब्रेड्स में आपके बाल कम टूटते हैं, ईजिली सुलझ जाते हैं बाल, और ब्रेडिंग से बाल उलझते भी नहीं है ऑयलिंग के बाद, मतलब ऑयलिंग के बाद आप बाल सुलझा सकते हो आराम से। और रबर बैंड आप ऐसे यूज़ करना जिसकी जो इलास्टिक है ना वो थोड़ी सी ना मतलब लूज हो, ताकि आपकी जो रबर बैंड है वो ईजिली निकल आए, और अगर बार अगर आपकी रबर बैंड टाइट होगी तो हेयर फॉल ज़्यादा होगा। सो मैंने छोटी छोटी बनाई है और आप लोगों की रिक्वेस्ट पर, आप लोगों की डिमांड पर, जैसे कि आप लोगों ने कहा था कि हमें ऑयलिंग के संग चंपी के संग हमें कोई हेयर स्टाइल बताओ अच्छे से, सबसे अच्छी हेयर स्टाइल मुझे लगती है खुद की छोटी कलर अच्छी तरीके से और ज़्यादा बाल भी झड़ते हैं अगर आप ऐसी छोटी वगैरह करते हो, दे सकते हो। और अभी ये जो टाइम हो रहा है गाइस वो हो रहा है 11:45 और मैं हेयर वॉश करूँगी 4 बजे और 4:15 पे ऐसे। हाँ, तो मैं 3-4 घंटे तो मैं आराम से सकने वाली हूँ सोहेल को। सो या आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।